مشتاق احمد لون صاحب کی یہ غزل پیش کر رہے ہیں جو کہ اس دنیا میں اب ہے نہیں لیکن اس کی غزلیں اب چھوٹ اب آپ کے سامنے پیشکش ہوگی داور مڈل اسکول بوائز مڈل اسکول داور بوائز مڈل اسکول داور کافی اچھی پرفارمنس ان کو تیار کیا ہے اعجاز احمد ماگری نے
We are appreciative. बेहतरीन यहाँ पर जो इन्होंने दिखाया है कारीगरी आलियों से गिड़गड़ाहट के रियाज में देश की रक्षा करते हैं तभी हम अपने घरों में चैन से सोते जब हमारा एक जवान हिमालय के पहाड़ों से देश की रक्षा करते हैं तभी जाके हम अपने घरों में चैन से सोते हैं और चैन से जीते हैं इस बच्चे को आप एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाते हुए इसमें आदिल मजीद है इसका नाम हमारे सभी मिनिस्टर साहब काफी खुश हुए आदिल मजीद को देख के जिस तरीके से वो ये अपने टैलेंट को छुपा कर नहीं रखते बल्कि मैदान में क्लास 12 में पढ़ रहे हैं फोर्थ क्लास में इकलाव्या मॉडल स्कूल गर्ल्स प्रोग्राम चल रहा है ना प्रोग्राम चल रहा है ना शोर तो बड़ा है शोर की शुक्र है इसी जमीन में हमारे साथ जो है गुरेज में भी रंग बिरंगे बात इसमें क्यों बातें उल्लू की ओर से बातें मत करो हमारे मेडिकल की बात अगर की जाए मेडिकल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पायलट हमेशा जब भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो पेशेंट से मेरी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उनका डिपार्टमेंट काफी अच्छा काम कर रहा है आरएन जी तो हमेशा अच्छे कामों में सामने आते और इस तरीके से आरएन जी ने ईडब्ल्यू अध्यक्ष साहब और संजय साहब काम कर रहे हैं एजुकेशन की जो प्रिंसिपल साहिबान हो हेडमास्टर साहिबान हो उनका काम काफ़ी सराहनीय का है कि इस बार जो रिजल्ट भी आए काफ़ी बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हमारे गुरेज में उसमें जाता है हमारे प्रिंसिपल और हेडमास्टर साहिबान को जिन्होंने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया हमारे फिजिकल एजुकेशन की क्या बात करिए पिछले 3 साल में जितने प्रोग्राम हमने किए रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम्स किए अगर गुरेज की हिस्ट्री की बात की जाए तो इतने कभी नहीं हुए थे जो प्रोग्राम इस बार गुरेज में फिजिकल एजुकेशन और डिपार्टमेंट कर रहा है जिस तरीके से दिशा में सपोर्ट को ले रहे हैं जब तक हमें मुबारक कर देना चाहता हूँ जिसमें उनके सरबरा या फिर शाह साहब और इसके आगे मैं चकर साहब को मुबारक देना चाहता हूँ जो है यहाँ पर गुरेज की तरक्की में अच्छा काम
अब किकलाविया मॉडल स्कूल के बॉयज और एक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार। आज इकलावा ही छक गया।